आज के इस वीडियो में हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर या बीजांड की संरचना के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लें कि बीजांड को दूसरा नाम क्या देते हैं, गुरु बीजाणु धानी या मेगास्पोरिंजिया। इसको हम गुरु बीजाणु धानी या मेगास्पोरिंजिया इसलिए कहते हैं क्योंकि बीजांड के अंदर ही गुरु बीजाणु का निर्माण, मेगास्पोर का निर्माण होता है। यह अंडाशय में पाया जाता है, जो बीजांड है यह अंडाशय में पाया जाता है, और अंडाशय में ये एक गद्दी रूपी संरचना जिसको हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं उसके द्वारा जुड़ा होता है। देखिए, अगर ये डायग्राम आप देखें तो ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम एक कार्पल का है, या जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, अंडक कहते हैं। इस अंडक के तीन भाग आपको पता होंगे, पहला ऊपर वाला भाग स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, बीच का भाग वर्तिका या स्टाइल, और नीचे का ये फूला हुआ भाग जो है ये क्या है, अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर ये जो गोल गोल दाने जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं क्या, बीजांड। और ये बीजांड अंडाशय के अंदर कैसे लगे होते हैं, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको बीच में ये पीले रंग की पट्टी से दिखाई दे रही है, ये जो ऊतक है इस ऊतक को हम नाम देते हैं अपरा या प्लेसेंटा, और इसी अपरा या प्लेसेंटा से ये बीजांड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर आप अंडाशय की आंतरिक संरचना को इस डायग्राम में देखें तो आप देखिए ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही पीले रंग की, ये जो है आपका क्या है, प्लेसेंटा है या अपरा है, और इसी प्लेसेंटा या अपरा जो गद्दीनुमा ऊतक है, इसी ऊतक में आपके बीजांड क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब ये बीजांड संख्या में एक भी हो सकते हैं और संख्या में एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये जो बीजांड है ये किस प्रकार से इस अपरा से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से इस अंडाशय के अंदर सजे हुए हैं, इस क्रम को हम नाम देते हैं प्लेसेंटेशन या बीजांड डासन। तो एक बार समझ लीजिए, अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाएंगे, अंडाशय के अंदर जो गोल संरचनाएं होती हैं उनको हम बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। ये बीजांड गुरु बीजाणु धानी कहलाती है क्योंकि ये गुरु बीजाणु का निर्माण करते हैं। अंडाशय के अंदर जिस ऊतक से, गद्दीनुमा ऊतक से ये बीजांड जुड़े होते हैं उनको हम नाम देते हैं क्या, अपरा या प्लेसेंटा, और जिस क्रम में ये प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं उस क्रम को हम नाम देते हैं प्लेसेंटेशन या बीजांड डासन। अब इस बीजांड का एक लंबवत काट ये आपके सामने दिखाई गई है, एक अनुदैर्ध्य काट है, LS है, और इस LS के माध्यम से हम बीजांड के विभिन्न भागों के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले बीजांड का पहला भाग है आपका क्या, बीजांड व्रंत, जिसे हम फ्यूनिकल के नाम से भी जानते हैं। ये डायग्राम में अगर आप देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है व्रंत, ये वाला व्रंत जो है जिसको हमने नाम दिया है बीजांड व्रंत, ये भाग कहलाता है फ्यूनिकल। इस व्रंत के द्वारा बीजांड अपरा से जुड़ा रहता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि बीजांड अंडाशय के अंदर जिस गद्दीदार ऊतक से जुड़े होते हैं उसको हम नाम देते हैं क्या, अपरा। तो ये जो बीजांड अपरा से जुड़े होते हैं उस भाग को हम कहते हैं बीजांड व्रंत। जैसे मैं अगर आपको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूं, मान लीजिए आपका ये ऊतक है, बीच में ये ऊतक है आपका जिसको हमने क्या नाम दिया, अपरा, और इस अपरा से आपका ये बीजांड, आपका एक गोल संरचना बीजांड की जुड़ी हुई है। तो ये जो व्रंत है इस व्रंत को हम नाम देंगे क्या, बीजांड व्रंत। इस व्रंत को हम नाम देंगे बीजांड व्रंत क्योंकि इसी के माध्यम से ये किससे जुड़ा हुआ है, अपरा से जुड़ा हुआ है। इस व्रंत में अपरा से पोषण लेने के लिए संवहन ऊतक पाया जाता है। आप देखिए इस डायग्राम में ये जो काले रंग की रेखा खींची गई है ये क्या है, संवहन ऊतक है, क्योंकि इसी व्रंत के माध्यम से, ये व्रंत किससे जुड़ा है, अपरा से जुड़ा है, और अपरा किसका हिस्सा है, अंडाशय का हिस्सा है। तो ये जो बीजांड है ये भोजन या पोषण कहाँ से लेगा, ये लेगा किससे, आपका अपरा से, और अपरा से पोषण लेने के लिए ये जो व्रंत है इसी व्रंत के अंदर ये संवहन ऊतक पाया जाता है जिसके माध्यम से अपरा से ये बीजांड भोजन ग्रहण करता है। अब दूसरा भाग है संधि रेखा, जिसको हम रेफी के नाम से जानते हैं। ये संधि रेखा और रेफी है कहाँ, देखिए ये जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो लकीर दिख रही है आपको, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं रेफी। अब रेफी है क्या, इसको देख लेते हैं। यह नाभिका से ऊपर की ओर बीजांड व्रंत की अतिवृद्धि है, यह एक अनुलंब उभार है। देखिए रेफी है क्या, अगर आप देखें तो वास्तव में यहां तक आपका बीजांड व्रंत है, सामान्यतः बीजांड व्रंत कहां तक है आपका, यहां तक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो नाभिका वाला हिस्सा है, नाभिका वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा है,
जहाँ पे बीजांड बीजांड ग्रंथ जो है बीजांड की बॉडी से जुड़ता है, इस हिस्से को हम कहते हैं नाभिका। तो यहां तक का हिस्सा जो है बीजांड ग्रंथ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बीजांड ग्रंथ जो है अतिवृद्धि करता है और बीजांड के जो अध्यावरण है उससे जुड़ जाता है, उस स्थान को हम नाम देते हैं रेफी। अर्थात ये वो स्थान है जहां पे बीजांड ग्रंथ अतिवृद्धि के कारण किससे जुड़ गया है, बीजांड के आवरण से जुड़ गया है। तो ऐसे स्थान को हम नाम देते हैं संधि रेखा। संधि मतलब जुड़ाव, यहाँ जुड़ाव किसका हो रहा है, बीजांड के आवरण का और बीजांड ग्रंथ का। तो जिस स्थान पे बीजांड ग्रंथ और बीजावरण आपस में जुड़ जाते हैं उस स्थान को हम नाम देते हैं रेफी। तीसरा स्थान नाभिका या हाइलम। बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड ग्रंथ से जिस क्षेत्र या बिंदु से जुड़ा रहता है उसे नाभिका कहते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा है नाभिका, जिसको हम हाइलम कहते हैं। तो अगर आप देखें तो बीजांड का जो ये पूरा शरीर है ये बीजांड ग्रंथ से कहाँ जुड़ा है, इस स्थान से जुड़ा है। तो इस स्थान को हम कहते हैं क्या, नाभिका या हाइलम, वह स्थान जिस स्थान पे बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड ग्रंथ से जुड़ता है उस स्थान को हम नाभिका कहते हैं। बात करते हैं हम बीजांड काय या न्यूसिलस की, जो कि मुख्य भाग है बीजांड का। तो बीजांड के भीतर बहाया जाने वाला मृदूतक है जो पोषण देने का काम करता है। देखिए डायग्राम में ये वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये वाला हिस्सा जो है, ये जो मैं राउंड दिखा रहा हूँ आपको मार्कर से, ये पूरा हिस्सा आपका क्या है, बीजांड काय, जिसको हम न्यूसिलस भी कहते हैं। और ये वास्तव में है क्या, ये मृदूतक पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ एक ऊतक है जो कि बीजांड को, इस पूरे बीजांड को पोषण देने का काम करता है। मात्रा के आधार पर ये ऊतक कितना बड़ा होगा या इसमें कितनी अधिक कोशिकाएं होंगी, इस आधार पर यह दो प्रकार का हो सकता है, नंबर एक स्थूल बीजांड काय और नंबर दो तनु बीजांड काय। तो स्थूल बीजांड काय क्या है, जब बीजांड काय अधिक मात्रा में हो तो उसे हम स्थूल बीजांड काय कहेंगे और जब बीजांड काय की मात्रा अल्प हो तो उसको तनु बीजांड काय कहेंगे। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बीजांड काय किन कोशिकाओं का बना है, मृदूतक कोशिकाओं का बना है। तो अगर बीजांड काय पर्याप्त मात्रा में है, ये ऊतक पर्याप्त मात्रा में फैला है, तो ऐसे बीजांड काय को हम क्या कहेंगे, स्थूल बीजांड काय। और यदि बीजांड काय की मात्रा कम होगी तो ऐसे बीजांड काय को हम क्या कहेंगे, तनु बीजांड काय। इसी में एक पॉइंट कभी कभी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, बीजांड काई चोंच या न्यूसिलर बीक किसको कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ बीजांडों में बीजांड काय चोंच के रूप में बीजांड द्वार से बाहर आ जाता है, उस चोंच को हम बीजांड काई चोंच कहते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो आप ये देखें कि ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा पूरा क्या है आपका, ये पूरा हिस्सा क्या है आपका, ये बीजांड काय है। ये जो गोल ऊतक या गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है मृदूतक की है, ये आपका क्या है, बीजांड काय है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये क्या है आपका, बीजांड द्वार। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो बीजांड काय है ये बीजांड द्वार की तरफ इस प्रकार से एक चोंच नुमा स्ट्रक्चर बना देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बीजांड काय बाहर निकला और इस बीजांड द्वार में उसने एक चोंच रूपी संरचना क्या की, बना ली। तो ये जो चोंच रूपी संरचना बनी है इसी को हम क्या कहते हैं, बीजांड काय चोंच या न्यूसिलर चोंच। और जनरली किसमें मिलती है, यूफोरबिएसी फैमिली में या कुकुरबिटेसी फैमिली में, इन फैमिलीज में ये बीजांड काय चोंच देखने को मिलती है। दोबारा समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है, ये बीजांड काय जो होता है ये चोंच के रूप में बीजांड द्वार से बाहर निकल आता है, तो ये जो चोंच रूपी संरचना बन जाती है इसको हम नाम देते हैं बीजांड काय चोंच, जो किसमें पाई जाती है, यूफोरबिएसी फैमिली में या कुकुरबिटेसी। देखिए अब बात करते हैं इसी में पेरिस्पर्म, एक टर्म आती है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म का क्या मतलब है, देखिए बीजांड काय की हम बात कर रहे हैं तो बीजांड काय से ही रिलेटेड एक टर्म है पेरिस्पर्म। बीज निर्माण के साथ बीजांड काय समाप्त हो जाता है, पर कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें ये एक पतली परत के रूप में मौजूद होता है और उसी पतली परत को पेरिस्पर्म कहते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि जब भी बीज बनते हैं तो बीज बनने के साथ ही ये बीजांड काय जो लेयर है, जो न्यूसिलस की लेयर है, ये जनरली क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पर कुछ बीज ऐसे हैं जैसे काली मिर्च है, गुड़हल है या पान है, इनके जो बीज होते हैं इसमें ये बीजांड काय एक पतली सी परत के रूप में मौजूद रहता है, बीज बनने के बाद भी मौजूद रहता है। तो ऐसी पतली परत को हम पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि नीट के कॉम्पिटिशन में भी पेरिस्पर्म के बारे में पूछा जाता है, तो ये बीजांड काय ही है
जो जनरली पौधों में समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ बीजों में ये पतली झिल्ली के रूप में मौजूद रहता है और तब उस झिल्ली को हम बीजांडकायना कह करके हम पेरिस्पर्म का नाम देते हैं। और पाया किसमें जाता है, ये पान हो गया, काली मिर्च हो गई, गुड़हल हो गया, इन सब में ये पेरिस्पर्म पाया जाता है। अब हम बात करते हैं भ्रूण कोष या एम्ब्रायो सैक की। ये बीजांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। तो देखिए बीजांड के अंदर पाया जाने वाला भ्रूण कोष कहाँ पाया जाता है। अगर आप देखें इस डायग्राम को तो ये जो बाहरी संरचना थी, ये पूरी की पूरी संरचना क्या है, ये संरचना है आपकी न्यूसिलस या बीजांडकाय। और इस बीजांडकाय के अंदर ये जो धसी हुई एक संरचना आप देख रहे हैं, जो गोल संरचना, इसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोष। यहाँ पे आप देखिए ये जो संरचना आप देख रहे हैं बीजांडकाय के अंदर गोल संरचना, ये गोल संरचना कहलाती है अभी क्या, भ्रूण कोष, एम्ब्रायो सैक। और इसको हम भ्रूण कोष के अलावा मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मादा युग्मक पाया जाता है। आप इसी भ्रूण कोष की एक मैग्नीफाइंग डायग्राम अगर देखें, बड़ा डायग्राम देखें, तो ये मैंने अलग से भ्रूण कोष आपको दिखाया है। तो इस भ्रूण कोष के अंदर अगर आप इस कोशिका को देखें तो ये क्या लिखी है, अंड कोशिका, अर्थात भ्रूण कोष के अंदर अंड पाया जाता है। और इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, मादा युग्मकोद्भिद, क्योंकि ये मादा युग्मक पैदा करता है। इसमें सामान्यतः 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक मौजूद होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए कि 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक कैसे इस भ्रूण कोष के अंदर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 7 कोशिकाओं की। तो आप ध्यान दीजिएगा 7 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। देखिए अगर आप देखें तो इस डायग्राम में सबसे शीर्ष पर आपको 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। तो प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कितनी हो गई आपकी, 3। नीचे आइए आप, सबसे शीर्ष आधार पर आपको ये कोशिका और ये कोशिका दिखाई दे रही है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सहकोशिका। तो ये कितनी होगी संख्या में, 2। और एक बीच में आपको बड़ी कोशिका दिखाई दे रही है, जिसको हम कहते हैं अंड। और बीच में ये एक सफेद रंग में जो दिखाई गई है सबसे बड़ी कोशिका, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय कोशिका। तो अगर आप देखें तो आपके पास कितनी कोशिकाएं हो गई इसमें, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कितनी बताई मैंने आपको, 3 प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं बताई, कौन कौन सी, 1, 2 प्रतिध्रुवीय कोशिका और कितनी प्रतिध्रुवीय कोशिका, 3 प्रतिध्रुवीय कोशिका। सह कोशिकाएं मैंने आपको कितनी बताई, 2, कौन कौन सी हैं, 1, और दूसरी सह कोशिका कौन सी है, 2। फिर इसके बीच में कौन सी कोशिका पाई जाती है, अंड। ये कोशिका कौन सी हो गई, एक कोशिका क्या हो गई आपकी, अंड, 3। तो 3 कोशिकाएं आपकी ये हो गई ऊपर और 3 कोशिकाएं हो गई आपकी नीचे, कितनी कोशिकाएं हो गई, 6। और बीच में एक बड़ी कोशिका पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय कोशिका। ये जो बीच की कोशिका है इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय कोशिका। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो कितनी कोशिकाएं हो गई आपकी, 7। 3 कोशिकाएं प्रतिध्रुवीय कोशिका, 3, 2 सह कोशिकाएं कितनी हो गई, 5, एक अंड कोशिका कितनी हो गई, 6, और एक बीच की कोशिका ये बड़ी सी जिसको केंद्रीय रिक्तिका कही, ये कितनी हो गई, 7। तो इस प्रकार से भ्रूण कोष के अंदर 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं केंद्रक 8 कैसे पाए जाते हैं। देखिए 8 केंद्रक इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये जो केंद्रीय कोशिका आप देख रहे हैं, इस केंद्रीय कोशिका में आपको 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, एक केंद्रक ये है और एक केंद्रक आपका ये है, और इन दोनों केंद्रकों को हम क्या नाम देते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। तो केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक हैं ध्रुवीय केंद्रक, इसलिए टोटल संख्या 8 हो जाएगी। कैसे, देखिए आप 3 ध्रुवीय कोशिका है, तीनों में एक केंद्रक है, एक केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 2 केंद्रक आपकी किसमें है, केंद्रीय कोशिका में है, तो 4 केंद्रक और 5 केंद्रक, 2 केंद्रक कहाँ पे होंगे, सह कोशिका में, 6 केंद्रक और 7 केंद्रक, और एक केंद्रक आपका किसमें है, अंड कोशिका में, 8 केंद्रक। तो अगर आप देखें पहला केंद्रक, दूसरा केंद्रक, तीसरा केंद्रक, चौथा केंद्रक, पांचवा केंद्रक, छठा केंद्रक, सातवां केंद्रक और आठवां केंद्रक। तो इस प्रकार से भ्रूण कोष में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं मौजूद होती हैं। अब हम बात करते हैं अध्यावरण या इंट्यूग्यूमेंट की। देखिए बीजांड के बाहर जो सुरक्षात्मक आवरण होता है उसको हम अध्यावरण कहते हैं। जैसे इस बीजांड को आप देखिए तो ये अध्यावरण है, इंट्यूग्यूमेंट है। ये आप देख रहे हैं एक अध्यावरण ये है और एक ये अध्यावरण है, इसमें 2 अध्यावरण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो किसी बीजांड का बाहरी जो सुरक्षात्मक आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अध्यावरण। आधुनिक द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, जो विकसित डेवलप्ड डाइकॉट्स हैं, उनमें ये आवरण 2 नहीं होते, कितने होते हैं, 1 होते हैं, और इसको हम क्या नाम देते हैं, यूनिटैग्मिक। जैसे आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको कितने आवरण दिखाई दे रहे हैं, 2 आवरण दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक आवरण तो ये दिख रहा है आपको, अंतः आवरण, और एक ही आवरण दिख रहा है, बाह्य आवरण। तो यहाँ पे आपको 2 आवरण दिखाई दे रहे हैं, एक आवरण ये और एक आवरण ये। तो यहाँ पे अध्यावरण जो है आपके, उस संख्या में कितने हैं,
दो हैं, जबकि आधुनिक जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें ही आवरण कितना होता है, एक होता है, और उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, यूनिटैग्मिक। यूनिटैग्मिक का मतलब यदि अध्यावरण संख्या में कितने हो, एक हो, तो उस व्यवस्था को हम कहेंगे यूनिटैग्मिक, जो किसमें पाई जाती है, आधुनिक द्विबीजपत्री पादपों में। जबकि जो प्रारूपिक द्विबीजपत्री पादप हैं, जो प्रारंभिक डाइकॉट्स हैं या जो मोनोकॉट्स हैं, जो एक बीजपत्री पादप हैं, उनमें यह आवरण जो है दोहरा होता है। जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, दोहरा आवरण है, एक सभी बाहर और एक उसके अंदर दोहरा आवरण है, तो ऐसे आवरण को हम क्या कहते हैं, बाईटैग्मिक। बाईटैग्मिक मतलब यदि बीजांड के बाहर जो अध्यावरण है वो दोहरा हो तो उसको हम कहते हैं बाईटैग्मिक। किंतु कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें ये आवरण पाया ही नहीं जाता, ये अध्यावरण होता ही नहीं है, तो उस दशा में हम इसको कहते हैं एटैग्मिक। जैसे चंदन है जिसको हम सेंटेलम कहते हैं, या लॉरेंथस है, इस प्रकार के पादपों में ये आवरण होता ही नहीं है। तो ध्यान रखना है हमको कि जो इंट्यूबमेंट से ये क्या है, एक सुरक्षात्मक कवच है जो बीजांड के बाहर पाया जाता है। ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और अब्सेंट भी हो सकता है। अगर ये अध्यावरण सिंगल है, एक है, तो उसको हम यूनिटैग्मिक कहेंगे, जो किसमें पाए जाते हैं, मॉडर्न जो डाइकॉट्स हैं उनमें पाया जाता है। यदि ये आवरण आपका दोहरा है, डबल है, तो उसको क्या कहेंगे हम, बाईटैग्मिक। किसमें पाया जाता है, जो प्रारंभिक डाइकॉट्स हैं या जो मोनोकॉट्स हैं, और कभी कभी ये आवरण होता ही नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, एटैग्मिक, जैसे चंदन या लॉरेंथस में ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं आवरण से रिलेटेड ही एक और टर्म की, जिसको हम कहते हैं एरिल। देखिए, एरिल आवरण से जुड़ा ही टर्म है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि बीजांड में तीसरा आवरण भी देखने को मिलता है। जनरली आवरण दो होते हैं, अभी आपने पढ़ा, या तो दो होंगे या एक होगा या एक भी नहीं होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बीजांड में एक तीसरा आवरण भी देखने को मिलता है जो बीजांड को आधार से शीर्ष तक घेरे रहता है। इस आवरण को, इस तीसरे आवरण को हम एरिल कहते हैं। जैसे आपने लीची में देखा होगा, लीची में हम जिस भाग को खाते हैं वो वास्तव में क्या है, एरिल है। वो एरिल है जो बीजांड को बाहर से घेरे हुए है। तो ध्यान रखना है कि एरिल का मतलब क्या होता है, एरिल का मतलब होता है तीसरा आवरण जो बीजांड के बाहर पाया जाता है। और इसका जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, क्या दिया, लीची। लीची में इसी एरिल को हम क्या करते हैं, खाते हैं। अब हम बात करते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की। वह स्थान जहां अध्यावरण नहीं पाया जाता एवं जहां से परागनाल बीजांड में प्रवेश करती है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप ये देखिए, यहाँ पे डायग्राम में ये वाला जो स्थान है आपका, ये वाला स्थान आपका क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। और अगर आप डायग्राम में देखें तो आप देखिए, ये आवरण आपके, ये आवरण यहाँ पे आ रहे हैं, इस साइड से ये आवरण आ रहे हैं, और इस आवरण ने इस बीजांड को पूरे चारों ओर से क्या कर रखा है, घेर रखा है। लेकिन ये जो स्थान है, ये स्थान ऐसा स्थान है जहां पे आवरण नहीं पाए जा रहे, ना तो बाहरी आवरण ना अंतरावरण, कोई भी आवरण नहीं पाया जा रहा, और बीजांड काय सीधे सीधे बाह्य वातावरण से यहां से जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्थान है इसको हम कहते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। और यहां ये भी ध्यान रखना है कि जिस समय परागकण अंकुरित होकर के परागनाल छोड़ता है, तो वो परागनाल जब अंडाशय के अंदर प्रवेश करती है तो इसी छिद्र से होते हुए वो बीजांड के अंदर जाती है। ये ध्यान रखना है कि जब परागनाल परागकण से निकलती है तो इसी छिद्र से होकर, जैसे मान लीजिए ये परागनाल है, तो वो इसी छिद्र से होकर इस प्रकार से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये कि जहां पे अध्यावरण नहीं पाया जाता उसको हम बीजांड द्वार कहते हैं, और बीजांड द्वार की खासियत क्या है कि यहीं से परागनाल बीजांड में प्रवेश करती है। अब इसके बाद अगला पार्ट हम अध्ययन करते हैं, निभाग या कैलाइजा। यह भाग बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर पाया जाता है, और इस स्थान पर अध्यावरण व बीजांड काय के बीच अंतर नहीं दिखता। देखिए, ये वाला जो स्थान आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल कहां है, बीजांड द्वार के विपरीत है। इस स्थान को अगर आप ढंग से देखें तो आप देखेंगे कि यहां पे ये जो स्थान है आपका बीजांड काय का, और यहाँ जो स्थान है आपका अध्यावरण का, बाह्य अध्यावरण अंतराध्यावरण, इनके बीच में इस स्थान पे कोई भी अंतर आपको दिखाई नहीं दे रहा। एक प्रकार से ये एक जंक्शन बन जाता है बीजांड काय और अध्यावरण के बीच का, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता, तो ऐसे स्थान को हम नाम देते हैं निभाग। नीट या मेडिकल एग्जामिनेशन में कभी कभी एक टर्म कंपटीशन में पूछी जाती है जो आपके आवरण से ही जुड़ी हुई है,
एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या है? एक अध्यावरण युक्त बीजांड में बीजांड काय आरंभ में ही नष्ट हो जाता है। वह अध्यावरण की कोशिकाएं रूपांतरित होकर बहुगुणित हो जाती हैं व स्टार्च और वसा का संग्रह करती हैं एवं बीजांड को पोषण देने का कार्य करती हैं। ऐसे अध्यावरण को एंडोथीलियम या अध्यावरणीय एपिडर्मिस कहते हैं। तो देखिए, एक अध्यावरण युक्त जो बीजांड है उसमें जनरली क्या होता है, बीजांड का आरंभ में ही नष्ट हो जाता है। और जब बीजांड का यहाँ पर नष्ट हो जाता है तो अध्यावरण इंट्यूबमेंट की कुछ कोशिकाएं जो हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं और कैसी हो जाती हैं, पॉलीप्लॉइड हो जाती हैं, बहुगुणित हो जाती हैं। और ये कोशिकाएं स्टार्च और वसा का संग्रह करके बीजांड को पोषण देने का काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा है तो अध्यावरण बीजांड का जनरली क्या करता है, बीजांड को पोषण देता है। लेकिन जब बीजांड का नष्ट हो जाता है तो जो अध्यावरण है वो बीजांड को पोषण देने का काम करता है। तो ऐसे अध्यावरण को हम एंडोथीलियम या अध्यावरणीय टेपिटम कहते हैं। टेपिटम आपने लघु बीजाणु धानी के समय पढ़ा था जिसमें टेपिटम जो है लघु बीजाणुओं को पोषण देने का काम करता है। तो यहाँ पे अध्यावरण बीजाणु को पोषण देने का काम करता है, इसलिए हम एंडोथीलियम को अध्यावरणीय टेपिटम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक और टर्म कभी कभी पूछी जाती है मेडिकल एग्जाम्स में, ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर क्या है? यह एक अतिवृद्धि है जिसका निर्माण अपरा या बीजांड व्रंथ से होता है। यह परागनाल को बीजांड द्वार से बीजांड के भीतर प्रवेश कराने हेतु रासायनिक संकेतक के रूप में कार्य करती है। देखिए, बीजांड व्रंथ या प्लेसेंटा अपरा से कभी कभी अतिवृद्धि होती है, ओवरग्रोथ होती है। जैसे आप इस डायग्राम में देखें तो यह हिस्सा बीजांड व्रंथ का है और बीजांड व्रंथ से आप देखिए ये एक अतिवृद्धि आपको दिखाई दे रही है, एक्स्ट्रा ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो ग्रोथ है इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर। और इसका काम क्या होता है, ये कुछ सिक्रीशन करती है रासायनिक पदार्थों का जो ये डिसाइड करता है कि पराग नाल जो है वो बीजांड द्वार से ही बीजांड के अंदर प्रवेश करे। तो ये जो ऑब्ट्यूरेटर है ये एक रासायनिक संकेतक है जो परागनाल को गाइडेंस देता है कि वो बीजांड द्वार के माध्यम से ही बीजांड के भीतर प्रवेश करे। डायग्राम में स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है ये जो अतिवृद्धि है जिसको हमने क्या नाम दिया है, ऑब्ट्यूरेटर। ये बीजांड ग्रंथ की अतिवृद्धि है और ये कुछ पदार्थों का सिक्रीशन करेगी जिससे आने वाली जो परागनाल होगी उसको संकेत मिलेगा कि वो इसी स्थान से, इसी माइक्रोपाइल से, इसी बीजांड द्वार से बीजांड के अंदर प्रवेश करे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बीजांड की सभी आवश्यक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।